कि कंप्यूटर नेटवर्क्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के जैसे कि लैन वैन इंटरनेट और इंटरनेट याद है ये सारी टाइप्स आपको स्टूडेंट्स हम लोगों ने कहा था कि इंटरनेट क्या होता है इंटरनेट होता है डिफरेंट कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर देना ताकि वो एक दूसरे के रिसोर्सिस और इंफॉर्मेशन वगैरह शेयर कर सके तो स्टूडेंट्स इंटरनेट क्या है इंटरनेट है बेसिकली एक नेटवर्क ऑफ नेटवर्क जो छोटे छोटे नेटवर्क्स हैं स्टूडेंट्स वो सारे आपस में मिलते हैं तो एक इंटरनेट बनता है और इंटरनेट है वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ठीक है यानी कि इस नेटवर्क में दुनिया के सारे के सारे कंप्यूटर्स जो कि उस नेटवर्क में होते हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं और किस तरह की कम्युनिकेशन कर सकते हैं एक दूसरे के साथ फाइल्स शेयर कर सकते हैं इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन किस तरह की हो सकती है टेक्स्ट हो सकती है पिक्चर्स हो सकती हैं वीडियोस हो सकती हैं और इवन के वीडियो कॉन्फ्रेंस भी हम लोग इंटरनेट के थ्रू ही करते हैं चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग एक बार इंटरनेट की डेफिनेशन देख लेते हैं अ वेरी लार्ज कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ईच अदर यूजिंग डिफरेंट मीन ऑफ कम्युनिकेशन तो इंटरनेट है बेसिकली क्या अ वेरी लार्ज कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स बहुत सारे कंप्यूटर्स की एक कलेक्शन है जो कि कनेक्टेड है ईच अदर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है यूजिंग डिफरेंट मीन ऑफ कम्युनिकेशन स्टूडेंट्स यहाँ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हो सकती है केबल्स वायर्स फाइबर ऑप्टिक केबल्स हो सकती हैं इसके अलावा माइक्रोवेव के जरिए भी डिफरेंट कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हो सकते हैं तो स्टूडेंट्स ये सारी चीजें क्या हैं ये है मीन ऑफ कम्युनिकेशन ठीक है अब एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के लिए कुछ तो चाहिए होगा कोई टेलीफोन लाइन हो सकती है कोई केबल हो सकती है होती है ना स्टूडेंट्स क्योंकि इसके बगैर तो आप लोग एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं कर सकते आगे देखिए क्यों यूज करते हैं अब हम इंटरनेट को यूज करते हैं इन्फॉर्मेशन सर्च करने के लिए ऑनलाइन चैटिंग और हम लोग इसके थ्रू ऑनलाइन चैटिंग भी करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग अब स्टूडेंट्स ई कॉमर्स की बात हो रही है यहाँ पे यानी कि आप लोग इंटरनेट को यूज करते हुए ऑनलाइन चीज़ें भेज भी सकते हैं और चीज़ें ख़रीद भी सकते हैं कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं स्टूडेंट्स जिससे आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा आप लोग अपनी असाइनमेंट्स वगैरह बनाने के लिए कुछ इंफॉमेशन वगैरह इंटरनेट पर सर्च करते हैं ना काफ़ी सारी इंफॉमेशन हमें विकी पे मिलती है विकी है एक वेबसाइट ठीक है वहाँ पर हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है जहाँ से हम लोग इन्फॉर्मेशन सर्च करते हैं उसके अलावा हमने देखा था कि सेंडिंग ईमेल्स हम लोग ईमेल्स भी एक दूसरे को भेजते हैं

ठीक है आगे देखिए हम लोग ऑनलाइन बाइंग और सेलिंग भी कर सकते हैं मगवाते हुंगे, हुंगे। तो students, वो किस तरह से होता है वो इंटरनेट के जरिए हम लोग डिफरेंट वेबसाइट से चीजें ऑर्डर करते हैं और वो हमारे घर पर डिलीवर होती हैं। नेक्स्ट देखिए इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। तो स्टूडेंट्स अभी तक जो सारी बात हम लोगों ने की है वो थी इंटरनेट के बारे में और बेसिकली इंटरनेट क्या है इंटरनेट है एक नेटवर्क ऑफ डिफरेंट नेटवर्क्स हम लोगों ने ग्रेड फाइव में पढ़ा था कि एक नेटवर्क होता है लैंड यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क एक नेटवर्क होता है वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क और लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो बहुत ही स्मॉल एरिया पर कंसिस्ट करता है लेकिन स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा था वाइड एरिया नेटवर्क डिफरेंट सिटीज पर कंसिस्ट करता है ठीक है अब डिफरेंट लैंड मिलकर एक वैन बना सकते हैं और डिफरेंट मिलकर स्टूडेंट्स एक इंटरनेट बनाते हैं ठीक है इंटरनेट में डिफरेंट सिटीज डिफरेंट टाउन और डिफरेंट कंट्रीज के कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं इसीलिए हम इसे कहते हैं नेटवर्क ऑफ नेटवर्क आगे देखिए स्टूडेंट्स अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरनेट की हिस्ट्री स्टूडेंट्स अब हम लोग इंटरनेट की हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं तो चलिए देखिए मेरे साथ इट began विद the development of electronic computers in 1950s. स्टूडेंट्स 1950s में बने थे इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स और तभी से इंटरनेट पर काम होना शुरू हो गया था आगे देखिए इन 1969, the Department of Defense of the USA, USA क्या है United State of America. तो स्टूडेंट्स यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट ने क्या किया था 1969 में सेटअप अ नेटवर्क कॉल्ड आरपनेट आर्पानेट के नाम से एक नेटवर्क सेटअप किया था ठीक है आर्पानेट क्या है जरा देखिए एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी ठीक है और NET stands for network. आगे देखिए स्टूडेंट्स, आर्पानेट ने कितने कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया था यहां देखिए इन दिस नेटवर्क वन कंप्यूटर इन कैलिफोर्निया कैलिफोर्निया क्या है कैलिफोर्निया है यूएसए की एक स्टेट और कैलिफोर्निया में था एक कंप्यूटर जिसे कनेक्ट किया गया था टू थ्री कंप्यूटर्स इन यूटा यूटा में तीन कंप्यूटर्स के साथ कैलिफोर्निया में मौजूद एक कंप्यूटर को कनेक्ट किया गया था तो स्टूडेंट्स ये था दुनिया का सबसे पहला नेटवर्क और इसके बाद से स्टूडेंट्स इन नेटवर्क्स पर काम शुरू हुआ और आज हमारे पास जो इंटरनेट मौजूद है उसकी स्टूडेंट्स ये बेस थी अब हम देखेंगे कि कौन सी बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए रेलिवेंट टू इंटरनेट आगे देखिए स्टूडेंट्स अब हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज पढ़ने जा रहे हैं जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है वर्ल्ड वाइड वेब वर्ल्ड वाइड वेब क्या है इसे हम डब्ल्यू भी कहते हैं ठीक है देखिए वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है स्टूडेंट्स ये है एन इंफॉर्मेशन सिस्टम कंटेन्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन वर्ल्ड वाइड ये एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसमें वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन सेव होती है स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखिए इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट पिक्चर्स वीडियोस एंड ऑडियोस अब वो इंफॉर्मेशन किस तरह की हो सकती है वो टेक्स्ट हो सकता है पिक्चर्स हो सकती हैं ऑडियोस और वीडियोस भी हो सकती हैं ठीक है ठीके? हमें इंटरनेट पे हर तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है हमें टेक्स्ट भी मिलता है हमें पिक्चर्स भी मिलती है हमें वीडियोज भी मिलती है स्टूडेंट्स और इसके अलावा हमें ऑडियो फाइल्स भी मिलती है इंटरनेट पे और वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन कहा सेव होती है वो होती है बेसिकली डब्ल्यू में यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब में आगे देखिए आगे है वेब पेज अब हमने देखना है कि वेब पेज क्या होता है स्टूडेंट्स देखिएगा अ पेज ऑन द इंटरनेट इंटरनेट पे मौजूद एक पेज होता है स्टूडेंट्स जो कि क्या कंटेन करता है विच कंटेंट इंफॉर्मेशन विच कैन बी एक्सेस थ्रू वेब ब्राउजर्स इस पर होती है वो सारी इंफॉर्मेशन जो कि हम लोग एक्सेस कर सकते हैं वेब ब्राउजर्स के जरिए वेब ब्राउज़र्स भी देखते हैं क्या होता है लेकिन स्टूडेंट्स पहले आप लोग वेब पेज को समझ लीजिए हम लोगों ने पहले बात की कि एक वर्ल्ड वाइड वेब होता है जो कि क्या है एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है ठीक है इस पर सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है जो कि हम लोग इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं अब एक वेब पेज क्या होता है स्टूडेंट्स ये सिर्फ एक पेज होता है जिसके ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन होती है वो इन्फॉर्मेशन टेक्स्ट भी हो सकती है वो इमेजेस भी हो सकते हैं वो वीडियोस भी हो सकती हैं और ऑडियोस भी हो सकती हैं ठीक है थीके? तो स्टूडेंट्स ये होता है एक वेब पेज और एक वेब पेज पर यूजली एक ही चीज के बारे में इंफॉर्मेशन होती है आगे हम लोग देखेंगे कि वेब ब्राउजर्स क्या होते हैं चलिए वेब ब्राउजर्स देखते हैं स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे कि वेब ब्राउजर क्या होते हैं देखिए मेरे साथ वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन स्टूडेंट्स हम लोगों ने सॉफ्टवेयर पढ़े थे हमने ग्रेड फाइव में पढ़े थे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को याद होगा वहां हम लोगों ने पढ़ी थी एप्लीकेशन तो स्टूडेंट्स वेब वेब ब्राउजर ब्राउजर क्या है है बेसिकली एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आगे देखिए कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है दैट इनेबल्स द यूजर टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट स्टूडेंट्स ये हमें इनेबल करता है कि हम लोग इंटरनेट के जरिए इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकें सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी वर्ल्ड वाइड वेब की ठीक है वहां हमने कहा था कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है उसके बाद हमने बात की वेब पेज की वेब पेज के बारे में हमने कहा कि वेब पेज हमें डिस्प्ले करता है कुछ इंफॉर्मेशन जो कि टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकती है पिक्चर ऑडियो या वीडियो की फॉर्म में हो सकती है लेकिन स्टूडेंट्स उन वेब पेजेस को हम लोग किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं वो हम करते हैं वेब ब्राउजर्स के जरिए और वेब ब्राउजर क्या है वेब ब्राउजर है बेसिकली एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आगे देखिए फर्स्ट ब्राउजर वाज वॉज मॉजे क्या था मोजेक था दुनिया का सबसे पहला वेब ब्राउजर जो के बना था इन नाइनटीन ठीक है नाइनटीन में बनाया गया था इस वेब ब्राउजर को स्टूडेंट जिसका नाम था मोजेक आगे देखिए एट नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन स्टूडेंट्स ये एक डिपार्टमेंट था जिसने नाइनटीन में बनाया था वेब ब्राउजर जिसका नाम था मोजेक ठीक है तो स्टूडेंट ये थी हिस्ट्री वेब ब्राउजर की दुनिया का सबसे पहला वेब ब्राउजर था ये लेकिन आजकल जो हम लोग वेब ब्राउजर यूज करते हैं स्टूडेंट्स वो कौन कौन से हैं हम लोग यूजली यूज करते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर जो कि हमारी विंडोज में ऑलरेडी होता है इसके अलावा स्टूडेंट्स हम लोग यूज करते हैं मोजिला फायरफॉक्स इसके अलावा हम लोग गूगल क्रोम यूज करते हैं ओपरा यूज करते हैं और सफारी भी यूज करते हैं स्टूडेंट्स ये है डिफरेंट वेब ब्राउजर्स आप लोग इंटरनेट पर इनके बारे में सर्च भी कर सकते हैं Students, ये कुछ वेब लोग आजकल कर यूज करते हैं नेक्स्ट है वेबसाइट अब हमने देखना है कि एक वेबसाइट क्या होती है स्टूडेंट्स इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड वेब पेजेस दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द यूजर स्टूडेंट्स एक वेबसाइट क्या होती है एक वेबसाइट है बेसिकली एक कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेब पेजेस एक वेबसाइट होती है उसके डिफरेंट वेब पेजेस होते हैं जो कि आप लोगों को इंफॉर्मेशन शो करते हैं और स्टूडेंट्स वो वेब पेजेस यूजुअली आपस में इंटर रेलिवेंट होते हैं ठीक है एक वेबसाइट फॉर एग्जांपल किसी एक कंपनी की है तो उस कंपनी की वेबसाइट पर उसी कंपनी से रेलिवेंट डिफरेंट चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन होगी ऐसा ही है ना डिफरेंट सर्विसेज के लिए आप लोग डिफरेंट वेबसाइट यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स विकीपीडिया क्या है विकीपीडिया है एक वेबसाइट ठीक है अब स्टूडेंट्स आप लोग विकिपीडिया पे चीजें सर्च करते हैं इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं अब किसी एक इंफॉर्मेशन से रेलिवेंट एक वेब पेज होगा ठीक है किसी और चीज के बारे में अगर आप लोग चाहते हैं तो उसके लिए डिफरेंट वेब पेज हो सकता है इसी तरह से स्टूडेंट्स ये होती है कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेब पेजेस स्टूडेंट्स आज का लेक्चर इतना ही था बाकी की टर्मोनोलॉजे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे तब तक अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़